हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपको बताएंगे चैप्टर सिक्स के बारे में और इसके बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। पिछली वीडियो में आपको हमने बिंदु और रेखा और पृष्ठ की परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझाई थी कि बिंदु क्या होता है। इसमें बताया था कि बिंदु की वैसे ना तो कोई लंबाई होती है इसकी और ना ही चौड़ाई होती है। ये केवल एक इम्प्रेस किया जा सकता है, इम्प्रेशन किया जाता है, इस पॉइंट से हम बिंदु को कहते हैं। रेखाखंड, रेखा जो हमारी होती है वह इन बिंदुओं को मिलाने से बनती है और इनको हम आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से रेखाखंड जो होती है उसके अंदर रेखा का ही भाग होता है। रेखा का भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु यानी कि ये जैसे ये मान लीजिए कि एक रेखा दे रखी है आपको, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। इस रेखा को क्या है कि यहां पर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये रेखा दे दी और इसके जो दो पॉइंट है ये ए और बी, ये हमारी रेखा हुई। एल मान लीजिए रेखा है, लेकिन ए और बी जो है वो हमारे रेखाखंड है, यानी कि इनका इसमें दो पॉइंट होते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु। तो इसमें ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंत बिंदु है, यानी कि दो अंत बिंदु है। दो अंत बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद आता है किरण। क्या आता है? किरण। किरण आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जैसे प्रकाश की किरण, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट जो है उसकी किरणें, रेज जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारी गामा रेज, अल्फा बीटा रेज, तो ये हमारी रेज होती है। जो हम एक्सरे होते हैं उसमें भी रेज का प्रयोग किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी रेज का प्रयोग ही किया जाता है। तो ये रेखा का वह भाग, रेखा का भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी कि एक बिंदु अंत होगा। जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये यहां से शुरू हो गया और ये ऐसे रेज है इस प्रकार से। तो इसमें हम अगर ए और बी हम लिखते हैं तो ये इसकी रेज होगी। इस प्रकार से इसको रे या किरण के रूप में बताया गया। अब हमारे पास आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? ये एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। यदि तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है ए और बी और ये एक सी पॉइंट होगा, ये हमारी जो है संरेख बिंदु हो गया है। इसको क्या कहेंगे हम? संरेख बिंदु। इंग्लिश में इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे आता है हमारा है संरेख बिंदु, है संरेख बिंदु, है संरेख होता है। इसके अंदर से उसका अपोजिट होता है, उनका अपोजिट होता है। यदि तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो उसको हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया ए और बी और ये आपका सी पॉइंट, तो इसको हम कहेंगे असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है कोण। ये आप परिचित हैं इस नाम से अच्छी तरह से, लेकिन यहां पर परिभाषा क्या होती है? जब दो किरणें
जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये है मानी थी, इस प्रकार से ये किरण होगी तो ये पॉइंट हो गया, तो ये जो पार्ट बनेगा उभयनिष्ठ जो भाग होता है इसको कहते हैं, तो इनको हम उभयनिष्ठ भाग। और ये हमारा क्या है, ये हमारी होगी भुजा, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। तो यहाँ पर ओ, यहाँ तो है ए ओ बी, ये तो हमारा हो गया कोण, ठीक है। और यहाँ ओ ए और ओ बी, ये हो गई भुजा। क्या भाई, भुजा क्या हो जाएगी, भुजा। और जो ये है ओ, खाली ओ पॉइंट जो है, ओ बिंदु है, ये हमारा होता है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ये इस प्रकार से इसके अंदर बता दिया गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको जो है ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ओ ए ओ ए ये भुजा है, लेकिन अगर हम यहां तक इसको लेते हैं ये पूरा, तो इसको हम किरण कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और ये जो पार्ट है उभयनिष्ठ भाग जो है इसको हम कहते हैं कोण। तो ये हमारा जो है, ये हमारा कोण होता है, ये हमारा हो गया कोण, ये हमारी होगी भुजा, ये भुजा, और ये हमारा हो गया शीर्ष। क्या हो गया, शीर्ष। तो ये इस प्रकार से इसमें दिक्कत। अब हमारे पास आते हैं कोण, क्या आते हैं कोण। सबसे पहले न्यून कोण, इस नाम से आप परिचित हैं, न्यून कोण, ये हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ये 90 से कम हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए त्रिभुज के अंदर ये आपके हो गए, ये सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये आपका हो गया, ये भी 90 से कम होंगे, इस प्रकार से। तो ये सभी जो कोण है इनके बीच का जो कोण है, ये सभी 90 और 0 के बीच में है, इसलिए इसको हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद आता है समकोण, क्या आता है, समकोण। तो समकोण यानी कि जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री कोण, जैसे इस प्रकार से ये आपका, ये 90 डिग्री कोण, ये आपका इस प्रकार से, ये 90 डिग्री कोण, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे हम इसको हम लंब डालते हैं, तो लंब जो है किसी रेखा के ऊपर यदि हम लंब डालते हैं तो वो भी 90 डिग्री का ही होता है, समकोण ही होता है, ठीक है। उसको भी क्या कहते हैं हम, समकोण ही होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद आता है अधिक कोण, क्या आता है, अधिक कोण। ये हमारा क्या है, 90 से और 180 के बीच में होता है, 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण
ये कोण जो है, अब इसमें जैसे हम देखें ये कोण 90 डिग्री का हो गया, इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से ही जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाए, ये आपका इस प्रकार से हो गया, ये भी 90 से अधिक हो गया, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण। अब इसके बाद कोण और भी हैं, लेकिन फिलहाल आप जो है यहां तक ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।